विदिशा जिले में दशहरे की रात 12 अक्टूबर और उसके बाद 23 अक्टूबर को हुई चाकूबाजी की घटनाओं का खुलासा कर पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार 7 आरोपियों में से 4 आरोपी दोनों घटनाओं में शामिल पाए गए हैं। बता दें कि आरोपियों को पकड़कर पुलिस ने विदिशा के बीच बाजार में जुलूस निकाला ताकि शहरवासियों को न्याय की भरोसेमंद कार्रवाई का संदेश दिया जा सके। इसी बीच एडिशनल SP प्रशांत चौबे ने बताया कि जांच में यह सामने आया है कि आरोपियों ने अपने गुट के साथ वारदातों को अंजाम दिया था और पुलिस अब सभी आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित कर रही है और यह प्रयास कर रही है कि उन्हें कठोर सजा दिलाई जाए। विदिशा से अजय सिकरवार की रिपोर्ट। ये दिनांक 12 अक्टूबर दशहरे की रात्रि में और फिर 23 अक्टूबर को दो गंभीर चाकूबाजी घटनाएं हुई थी। जो 12 अक्टूबर की घटना थी उसमें घायल की डेथ हुई थी अनफॉर्चुनेटली, और जो 23 वाली घटना उसमें भी गंभीर चोट पेट में चाकू लगे थे। इसमें मामला अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध पंजीबद्ध किए गए थे। बाद में पुलिस ने विवेचना करके आरोपियों के नामजद किया और कल जो है इसमें 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एक घटना जो है उसमें 4 आरोपी है वो ही कॉमन है और एक घटना में 7 आरोपी है। 7 आरोपियों को गिरफ्तार करके इसमें विधिवत इनसे चुप किए गए हथियार अन्य सामग्री बरामद कर ली गई है। इनका जो है घटना की संबंध में पूरी जानकारी ले ली गई है और विधिवत इनके खिलाफ विवेचना करके चरणी कार्रवाई की जा रही है। कोशिश की जाएगी इनको सजा दिलाई जाए। प्रकरण में पुलिस की टीम ने मेहनत करके आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है और समय अवधि में सारे जो है खुलासे करके इस पूरी घटना को ट्रेस